सत्ता में आते ही कैबिनेट मंत्री व भुआ हल्के के विधायक लालचंद कटारूचक की ओर से क्रशर से भरे वाहनों के लिए समय में बदलाव का ऐलान किया गया था। फौरी तौर पर निर्देशों पर अमल भी हुआ, लेकिन लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है, क्योंकि समय में बदलाव के बावजूद ट्रकों की आवाजाही नहीं रुक पा रही। 8 बजे से पहले तारागढ़ रोड पर ट्रकों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे राहगीर व स्थानीय लोग परेशान हैं। हाँ जी, की परेशानी है इस तरह की, जैसे जाम की स्थिति बन गई जी? देखो जी, जाम कोई भी नहीं लगाना चाहता, सानू परेशानी हुई है तो ताही अं जाम लगया। मैं परसों खुद नेरी भी चले गई, तूफान है ना ही, तो मैं खुद अपनी जान जोखिम चो ला के इधरों लंघिया, तो मेरा एक्सीडेंट भी होने लगा ही, और रब ना करे कि तो कोई मिसहैप नहीं हो जाती, तो जिम्मेवार कौन ही? और प्रशासन ही, प्रशासन को पहला भी 2 बार मैं किया है, तो प्रशासन ने कोई आश्वासन नहीं दिता, बस होर कुछ नहीं। हूँ प्रशासन के आला अधिकारी आए, उन्होंने आश्वासन दिता है कि सानू 1-2 दिन का टाइम दो, इन्हों का कोई परमानेंट हल कर देंगे। यह जो टाइम इन्हों का सही हैगा 8 शाम 8 बजे है, और यह नजायज जी इतने 2 बजे ही लगा, इतने लंबी लाइन लगा देंगे, घट्टो घट्ट 2 से 2.5 किलोमीटर तक लंबे ट्रक ही खड़े रहते हैं बस, और सिंगल रोड बन के रह गया ये रोड, हालांकि यह डबल रोड है, और इको रोड से सानू लंघना पैंता ही, और बच्चे भी जाते हैं, कोई पेशेंट जा रहा, तो अं प्रशासन को यही कहने कि इन्हों का सही टाइम जो सही रोड है उधरों लंघा जाए। इस तरह प्रदर्शन किए गए हैं, या अगे भी अपील की गई है, कई बार RTO साहब भी किया गया, लेकिन सुनवाई पहले भी नहीं हुई, की कारण रहा? सुनवाई सर कितना कितने प्रशासन की नाकामी है, पता नहीं की चक्कर की है, बिना नंबर प्लेट गड्डिया RTO जब साहब बैठे दे उन्होंने चैकिंग करनी चाहिए है कि जोड़े व्डे हैवी ट्राले है उन्होंने पिछले नंबर प्लेट क्यों नहीं लगी, क्या की उन्होंने जोड़ा कागज़ पत्र पूरे है? जे रोड से कोई चल रही है गड्डी तो उन्होंने कागज़ पत्र तो एटलीस्ट पूरे होने चाहिए है। एक्सीडेंट भी कई बार रोड से हो चुके हैं, जाम भी लग चुका है, 3-3 दिन का जाम भी लगा सी, बावजूद करोगे सर? मेरे नाल ही एक बुजुर्ग खड़े ही, उन्होंने छोटे भरा की बांह टुटी है परसों, और परसों उस दिन ही मेरा मैं बाल बाल बचिया इस रोड तो, कसूर की है? जे सू 2-3 दिन का कहते टाइम दो, जे तो 2-3 दिन तक साडा हल हों तो ठीक है, नहीं तो दोबारा असं कुछ होर वड्डा करन दी कोशिश करांगे। भाई अमनदीप नाम जी मेरा, मैं पिंड भड़ जाख तो जी। भाई अपनी रोज की परेशानी हो गई है कि इन्ना क भाई इतने जाम लग्या रहा है, अं अपना मोटरसाइकिल नहीं काट सकते, गड्डी नहीं काट सकते, रूट भाई 8 बजे का, पहली गल तो रूट बनता ही नहीं आता, रूट उन्हें तंगो शाह तो है भाई, तुहाडे सामने तुसीं वेखो एक बार मारो कैमरा किदा जाम लग्या पिया भाई, तो इन्नी भाई परेशानी आती, कोई पेशेंट आ जाए हूँ भाई दिन तुम देखो चले कणक भड़ोदियाँ पा, इन्ना जाम लग्या पाया आ भाजी, हूँ अं गी कड़ लगे हैं, गड्डी साढ़े ट्रक मार लगे हैं भाजी, साड़ी जिम्मेवारी कौन है कि दसो? अं प्रशासन को कहा आ, फोन किया, गल की है भाजी, इतने अपने लगे है साहब ने लगे थे, उन्होंने मैं कहा मेरे फादर साहब से नाल कि भाजी इदा दी गल है कि तुम 8 बजे का टाइम है पहले कि आन देंगे, कहें भाजी मेरे हाथी पैन लगे है, अं नहीं कुछ कह सकते, SSO साहब को जाओ, तो भाजी दसो हूँ साडा की हल कि होगा, यह तुम ही करना है, तुहाडे सिर ते सारा प्रेस जो कर सकते भाजी, ताइयों तुहानू हाथ तुहाडे अगे हाथ जोड़ने आ, यह काम अं बंद कराना है बस।
वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल मामून रोड पठानकोट कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540060113।